नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जमशेदपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने साक्ची के कुछ क्षेत्रों के निवासियों को अतिक्रमण का नोटिस मिलने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है। पूर्वी सिंहभूमि जिला के कार्यालय अंचल अधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का नोटिस स्थानीय निवासियों को दिया गया है। 6 जुलाई को जारी नोटिस में 14 दिनों का समय देते हुए 20 जुलाई तक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। ऐसा ना करने पर अतिक्रमण हटा देने की बात भी कही गई है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि वहां के निवासियों ने उनसे जमशेदपुर में मुलाकात की और बताया कि वे 50 वर्षों से उस जमीन पर रहते आए हैं और उन्हें जुस्को पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। नोटिस मिलने के बाद घर टूटने की आशंका से सभी भयभीत हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये सब गरीबों को परेशान करने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है जो आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के अनुरूप काम कर रहे हैं और हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार ने हमेशा गरीबों की सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखा है, इसलिए ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएं। कांग्रेस नेता ने पूर्व सिंहभूम के कलेक्टर को भी एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि जब मैंने इस संबंध में संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय से बातचीत की तो उन्होंने पुष्टि की कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 150 घरों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया गया है। डॉक्टर अजय कुमार ने चिट्ठी में पूछा कि एनजीटी के आदेशों पर जल संसाधन विभाग, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और जिला प्रशासन का संयुक्त सर्वेक्षण किस आधार पर हुआ। डॉक्टर अजय कुमार ने मांग की है कि जब तक झारखंड सरकार इस मामले पर एनजीटी से पूरी तरह से चर्चा कर निष्कर्ष न निकाल ले तब तक आगे की कार्रवाई को रोक दिया जाना चाहिए। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।